क्लॉक स्टेशन विथ अलार्म क्लॉक DTSN 3001। अब इस डॉग स्टेशन का अनबॉक्सिंग करते हैं। इस टाइप का बॉक्स रहेगा, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, बाद में एक डिवाइस है, क्लासी डिवाइस है, और इसके साथ में एडाप्टर वगैरह भी दिया गया है। एडाप्टर भी दिया गया है और रिमोट कंट्रोल भी दिया गया है और ऑक्स केबल भी दिया गया है। अब ये डॉक स्टेशन है टॉप। अब हमारा जो डॉक स्टेशन है इसमें हम ऑक्स केबल भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लूटूथ एनेबल भी है, मतलब कि ब्लूटूथ से हम फ़ोन वगैरह कनेक्ट करके ब्लूटूथ से म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हैं, मतलब कॉल पे बात भी कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल भी दिया हुआ है, रिमोट से भी उसको हम रन कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोल से भी। एडाप्टर भी दिया हुआ है। ये डॉक स्टेशन है हमारा। यहाँ पर एक म्यूजिक के लिए यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है, चार्जिंग के लिए यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है, ओके। और एकदम हैवी स्क्रीन भी दिया गया है। यहाँ पर ऊपर ये जो बटन दिया हुआ है एक रोटेटिंग बटन है, ओके। ऐसे आप रोटेट करोगे तो रोटेट करके आप सेट वगैरह कर सकते हो और प्रेस करने कर भी सकते हो। यहाँ पर अलग अलग बटन भी दिए हुए हैं। यहाँ पीछे की साइड भी काफ़ी सारे अलग अलग बटन्स भी दिए हुए हैं। अब इस डॉक स्टेशन में जो ये बटन है उसका क्या यूजेस है हम बताते हैं। ये वाला प्रीवियस और डाउन बटन है, ये वाला पुश बटन है, ओके, कॉल हैंग अप बटन भी है, ये फॉरवर्ड बटन है, ओके, और अप बटन भी है। यहाँ पर बाद में ऑफ बटन और मोड बटन है, मतलब आप मोड वगैरह चेंज करने को होता है तो ये मोड भी चेंज करते हैं। स्लीप बटन है, मतलब स्लीप में डालना है तो इसका बटन यूज़ होता है। अलार्म 1, अलार्म 2, अलार्म वगैरह सेट कर सकते हो, 1, 2 सेट भी कर सकते हो। एक नॉब है, उसको आप ऐसे रोटेट करके अप और डाउन भी कर सकते हो, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करना प्रेस करके आप स्नूज भी कर सकते हैं अलार्म को। अब यहाँ पर ये एक म्यूजिक का यूएसबी का है, बाकी दूसरा जो है वो चार्जिंग का यूएसबी पोर्ट्स है। अब यहाँ पीछे की तरफ देखोगे तो ये दोनों साइड स्पीकर दिया हुआ है, जो एकदम हाई क्वालिटी स्पीकर रहेगा दोनों साइड, ओके। अब पीछे की साइड हम देखेंगे तो यहाँ पर पीछे की साइड यहाँ पर देखोगे तो DC 5 वोल्ट हम जो एडाप्टर से उसे इस डिवाइस को जो पावर सप्लाई देना है तो यहाँ DC 5 वोल्ट से पिन यहाँ पर डालना है। यहाँ पर ऑक्स केबल का मतलब जो ऑक्स से हमें म्यूजिक प्ले वगैरह करना है तो उसका पोर्ट दिया हुआ है, 3.5 mm ऑडियो जैक ऑक्स यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर एक बटन है जो ऑन और ऑफ उसका बटन है, मतलब आप ऑफ कर दोगे डिवाइस को, ऑन और ऑफ करने के लिए बटन है। ए वाला बटन है अलार्म लॉक बटन और अलार्म सेटिंग बटन, ओके। सेटिंग वगैरह करना है, मतलब क्लॉक वगैरह सेटिंग करना है तो ये सेटिंग बटन है, और लॉक करना है तो ये लॉक करना है। यहाँ पर 12 hours 24 hours टाइम फॉर्मेट के लिए का ये बटन है। यहाँ पर सेल्सियस और फेरनहाइट, मतलब जो टेम्परेचर बता रहा है उसका सेल्सियस फेरनहाइट में करने के लिए है। यहाँ पर कार्ड स्लॉट दिया है, मेमोरी कार्ड स्लॉट, मतलब आप मेमोरी कार्ड से भी अगर आपके पास मेमोरी कार्ड है TF कार्ड तो उससे भी आप म्यूजिक वगैरह प्ले कर सकते हो, उसका स्लॉट दिया हुआ है। यहाँ पर वॉल्यूम बटन दिया हुआ है जो अलार्म का है, ओके। वॉल्यूम नॉब है, उसको आप रोटेट करके वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो अलार्म का ही, ओके। बाकी डिवाइस का वॉल्यूम यहाँ से आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के डिवाइस का जो इसका स्पीकर का वॉल्यूम है वो बढ़ा सकते हो, अलार्म का वॉल्यूम यहाँ से कर रहा है। अब इस डिवाइस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या करना है, ये डिवाइस है केबल से, मतलब आप 220 वोल्ट से आप एडाप्टर से ही चला सकते हो,
और डिवाइस में सबसे पहले आपको स्टार्ट करने के लिए नीचे की साइड आप देखोगे तो यहाँ पर बैटरी कंपार्टमेंट दिया है। ये बैटरी जो है पावर बैकअप, मतलब कि अगर लाइट वगैरह चली जाती है तो इसके अंदर जो हमने सेटिंग किया हुआ था है अलार्म का, टाइम का, तो वो सेटिंग सेव हो सके और मतलब मेमोरी में रहे और उसका कोई उसमें कोई इफेक्ट ना हुए, तो इसके लिए बैटरी बैकअप के लिए यहाँ पर बैटरी डालनी होती है। जो बैटरी इंक्लूडिंग नहीं होती है पर आपको ट्रिपल ए साइज़ की दो बैटरी लगेगी इसमें, तो आप ड्यूरासेल की आप ट्रिपल ए साइज़ की दो बैटरी लगा सकते हो लॉन्ग लास्टिंग के लिए। और ये बैटरी का यूज जस्ट फॉर मेमोरी के लिए है, मतलब कि इसमें जो भी सेटिंग है पावर बैकअप के लिए, इससे हम डिवाइस रन नहीं कर सकते, इससे जस्ट इसमें जो भी हमने सेटिंग है उसको मेमोरी कर सकते हैं। ओके, बैटरी डालने के बाद ये जो केबल है एडाप्टर, उस एडाप्टर को प्लग इन कर देना है। और जो ये पिन है यहाँ पीछे की साइड, यहाँ फर्स्ट वाला है वहाँ पर डीसी 5 वोल्ट वायर पर पिन डालना है। पिन डाल के आप यहाँ पर ऑन ऑफ बटन है, ओके, ये ऑन ऑफ बटन को आप ऑन करोगे तो डिवाइस हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अभी डिवाइस में टाइम वगैरह, डेट वगैरह यहाँ पर देखोगे, ये वाला है वो स्पीकर है जो कि हम ब्लूटूथ से हमारा मोबाइल इसमें कनेक्ट किया होता है, तो हम मोबाइल कॉल भी मतलब कॉल पे बात भी कर सकते हो स्पीकर के जरिए, मतलब कि डॉक स्टेशन से अगर हमारा मोबाइल कनेक्टेड है तो हम बात भी कर सकते हैं। अब इस डिवाइस में आप जो ये वाला बटन है मोड और पावर बटन है उसको आप प्रेस करके आप देखोगे तो यहाँ पर जो अगर हमने यूएसबी पेन ड्राइव वगैरह डाली है, मतलब यूएसबी का सिंबल दिख रहा है, तो अगर यूएसबी पेन ड्राइव वगैरह डाला हुआ है तो उसमें से जो भी सॉन्ग है वो बजने लगेगा। दूसरी बार प्रेस करोगे तो टीएफ कार्ड बता रहा है, मेमोरी कार्ड, तो मेमोरी कार्ड जो भी हमने डाला है तो वो मेमोरी कार्ड में जो भी सॉन्ग वगैरह है, यहाँ पीछे की साइड हमने मेमोरी कार्ड स्लॉट में डाला हुआ है तो मेमोरी कार्ड में से सॉन्ग बजने लगेगा। एक बार फिर से क्लोज करके तो ये एफएम का सिंबल बता रहा है, मतलब एफएम वगैरह जो रहता है तो एफएम बजने लगेगा। उसके बाद फिर से प्रेस करो तो अक्स केबल बता रहा है, तो मतलब अक्स केबल से अगर हमने फ़ोन वगैरह कनेक्ट किया है ऐसे तो उससे भी म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर करते हो तो यहाँ पर ब्लूटूथ का सिंबल दिख रहा है, तो मतलब इस डिवाइस को हम अपने मोबाइल के ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर सकते हो, मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी कर सकते हो, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो, तो ब्लूटूथ से इसमें म्यूजिक प्ले हो सकता है। अगर हमारे फ़ोन में कॉल वगैरह आता है तो इस बटन के जरिए या जो इस बटन के जरिए कॉल भी हम उठा सकते हैं, मतलब कॉल उठा के हम बात भी कर सकते हैं लाउड स्पीकर में, और कौन फ़ोन कॉल काट भी सकते हो, और ब्लूटूथ में हमारे फ़ोन से जो म्यूजिक वगैरह बज रहे तो म्यूजिक को भी हम आगे पीछे कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अब इस डॉक स्टेशन में टाइम वगैरह सेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आप पीछे की साइड देखोगे तो ये वाला बटन है लॉक, और यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन दिया हुआ है लॉक और सेटिंग, तो ये वाले बटन को ऐसे आप करोगे सेटिंग की तरफ, ऐसे करके सेटिंग की तरफ रखना है। ओके, सेटिंग की तरफ करोगे तो यहाँ पर देखो ये टाइम ब्लिंक हो रहा है, तो अभी कितना बजा है, जैसे कि 5:10 हुआ है, तो ये रोटेटिंग बटन है उसको रोटेट करके सेट कर सकते 10:11 और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसको आप अप डाउन करते हैं। PMM वो भी आपको चेक कर लेना है क्योंकि 12 hours होगा, तो 5:10 सेट कर दिया, उसके बाद ये वाला बटन प्रेस करना है, तो ये वाला बटन को आपको प्रेस करोगे तो यहाँ पर ऐसा दिख के आएगा 2026, मतलब 20123, तो हमें यहाँ पर 2026 रखना है, 2026 रखना है तो ही यहाँ पर जो भी एग्जिट होगा वही संडे मंडे ट्यूसडे आएगा, तो 2026 रखने के बाद फिर से यहाँ पर अगर 2012 हो या 2032 हो तो आपको 2026 रखना है। ओके, 2026 रखने के बाद फिर से ये बटन प्रेस करना है,
ओके, ए बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पर ये मंथ दिखेगा। तो अभी कौन सा मंथ है, तो अभी ये जनवरी है, मतलब नहीं अक्टूबर है, तो 10th सेट करना है, जनवरी है तो 1। ओके, तो ये अक्टूबर है तो हमने 10th लिखा। फिर से ये बटन प्रेस करोगे ये वाला, ओके, तो ये वाला ब्लिंक होगा, इसका मतलब आज कितनी तारीख है, तो आज 1 तारीख है, तो हमने सेट किया 1 तारीख। ये रोटेटिंग बटन घुमा के आपको सेट करना होता है, तो 1 तारीख और अक्टूबर मतलब 10वां महीना, और ऐसा सेट करने के बाद कर देना है। ओके, एक बार ये जो सेट पूरा हो गया टाइम, थर्सडे है, ओके सॉरी थर्सडे है 5:11 10वां महीना फर्स्ट डेट PM। ओके, इतना सेट हो जाने के बाद यहाँ पीछे का जो बटन है इसको फिर से लॉक कर देना है, इस साइड कर देना है, तो ये टाइम पूरा सेट हो चुका है। अब इस डॉग स्टेशन में हमने टाइम वगैरह सेट कर दिया है। ओके, तो टाइम सेट हो जाने के बाद अगर हम इसमें अलार्म सेट करना है तो यहाँ अलार्म के बटन भी दिए गए, अलार्म 1 मतलब 1 नंबर का अलार्म, अलार्म 2 मतलब 2 नंबर का अलार्म सेट करना है। तो 1 नंबर का अलार्म हम प्रेस करोगे तो अलार्म 1 ब्लिंक हो रहा है, और ब्लिंक होने का मतलब उसको सेट कर सकते हो यहाँ पर ये रोटेटिंग बटन घुमा के। यहाँ पर एम है, अगर हमें 5:30 PM का अलार्म सेट करना है तो उसको एक बार घुमाओगे, ओके एम है तो एम को PM कर देना, अभी PM हो गया। ओके, 1:02:45 यहाँ पर हमने सेट किया 30। ओके, 5:30 अलार्म सेट हो चुका है। फिर से एक बार अलार्म बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पर ये बता रहा है कि अलार्म का जो रिंगटोन है वो कहाँ पर रखना है, मतलब आपको कौन सा रखना है अलार्म का, ये ब्लिंक हो रहा है मतलब अलार्म का रिंगटोन कौन सा रखना है। तो रोटरी बटन हम सिलेक्ट करोगे तो ऐसे देखो ये अलग अलग बता रहा है, मतलब कि ये तो USB में से जो सॉन्ग बजेगा वो रखना है, एक बार घुमाओगे तो मेमोरी कार्ड बता रहा है मतलब मेमोरी कार्ड से जो सॉन्ग बजेगा वो रखना है, या ये FM बता रहा है मतलब FM से जो स्टेशन हमने सिलेक्ट किया वो उसमें से रिंग बजाना है अलार्म रिंग, या ये सिंबल बता रहा है मतलब कि इसका जो पर्टिकुलर सिंबल एक रिंग टोन आता है जिस डिवाइस का उससे अलार्म बजाना है। अगर हमने सिलेक्ट किया है तो मतलब ये डिवाइस का पर्टिकुलर जो सॉन्ग होगा वही बजेगा। फिर से अलार्म 1 एक बार प्रेस करोगे तो ये दिख रहा है कि कब स्टार्ट रखना है, फ्राइडे मतलब टुमोरो, आज थर्सडे है तो फ्राइडे मतलब टुमोरो अलार्म बजाना है। रोटरी बटन आप प्रेस करोगे कौन जाए, अभी ये फ्राइडे मतलब टुमोरो करना है, ऐसे रोटेटिंग बटन घुमाओगे तो यह पूरा सब बता रहे टुडे मंडे और फिर से ऐसे घुमाओगे तो संडे चला रहेगा मतलब संडे बंद रखना है, फिर से घुमाओगे तो फ्राइडे सैटरडे संडे चला जाएगा मतलब सैटरडे संडे बंद रखना है, या ऐसे करके फ्राइडे मतलब टुमोरो चलाना है, या ऑल वीक चलाना है, या संडे बंद रखना है, या सैटरडे संडे बंद रखना है, जो वीक में जो भी आपको रखना है वो सेट कर सकते हो। अगर हमें ऑल वीक रखना है तो ऐसा ऑल वीक रखते हैं तो पूरा वीक अलार्म 5:30 को बजेगा। ओके, उसके बाद फिर से अलार्म बटन है प्रेस कर दोगे तो हमारा ये अलार्म है वो सेट हो चुका है। जैसे हमने अलार्म सेट कर दिया, ओके, तो उस हिसाब से अलार्म बजेगा, और अलार्म का रिंग टोन है मतलब जो रिंग बजेगा उसका जो वॉल्यूम है वो यहाँ पीछे एक नॉब दिया है उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाओगे, ओके ऐसे घुमाओगे तो इसकी वजह से ऐसे आप अलार्म का रिंगटोन भी वॉल्यूम जो रिंग टोन विंड रिंग का वॉल्यूम है उसको अप डाउन कर सकते हो। और जैसे हमने यहाँ दिख रहा है जैसे घुमाएंगे तो अलार्म का वॉल्यूम ये घूम रहा है, ओके, तो हमने हाई पे रखा है तो 30 अलार्म का वॉल्यूम 30 से बजेगा। ओके, अब अगर अलार्म 2 सेट करना है तो जैसे हमने 1 बटन दबा के उसको सेट किया ऐसे ही आप 2 बटन दबा के सेट कर सकते हो। जैसे कि देखो ये हमने सेट किया अलार्म 2 ब्लिंक हो रहा है, जैसे ही आपको करना है मतलब 5:00 हमें उसको सेट करना है 6:10 तो 6:10 और ए पी एम
ओके, फिर से अलार्म टू बटन प्रेस करोगे तो इसमें जो भी आपको रखना है रोटेट बटन, मतलब यूएसबी केबल से जो चलाना है या ब्लूटूथ मतलब पेन ड्राइव से जो म्यूजिक सुनना है या अलार्म का रिंगटोन कौन सा सेट रखना है। तो जैसे कि हमने रखा है एफएम, तो मतलब एफएम पे रखना है, तो मतलब एफएम का जो स्टेशन होगा वो बजेगा। उसके बाद फिर से इसको प्रेस करोगे तो सेटअप फुल वीक, सैटरडे संडे ऑफ रखना है या टुमारो बजाना है, मतलब टुमारो तो टुमारो अलार्म। फिर से ऐसे करोगे तो अलार्म वन और टू दोनों सेट हो चुका है और दोनों यहाँ पर दिख रहा है। अगर इस अलार्म वन या टू को आपको कैंसिल करना है, मतलब बजाना ही नहीं है, तो क्या करना है आपको, जो भी मतलब हमें वन नंबर का जो अलार्म है उसको बंद करना है सेटिंग को, तो ये जो वन नंबर अलार्म का बटन है उसको टू या थ्री सेकेंड के लिए प्रेस करके रखना है, तो ये चला जाएगा। मतलब कि वन नंबर का सेटिंग चला गया, अभी वन नंबर का अलार्म नहीं बजेगा। वैसे अगर टू नंबर का निकालना है तो भी उसको टू या थ्री सेकंड करोगे तो दोनों अलार्म चले गए। जब भी इस डिवाइस में अलार्म बजेगा तो अलार्म को स्नूज करने के लिए ये रोटरी बटन है उसको प्रेस करना है, ओके, टैप करना है। जैसे ही अलार्म बजेगा रोटरी बटन को टैप करते हो तो 9 मिनट का स्नूज टाइम रहेगा, 9 मिनट के बाद फिर से अलार्म बजेगा। अगर अलार्म बजता है और कोई भी फंक्शन बटन हमने प्रेस नहीं किया है तो 30 मिनट तक अलार्म बजता रहेगा और 30 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली अलार्म बंद हो जाएगा। अब इस डॉक स्टेशन में 24 आवर्स मतलब 12 आवर्स का टाइम फॉर्मेट बता रहा है। अगर हमें 24 आवर्स का टाइम फॉर्मेट करना है तो यहाँ पीछे की साइड ये जो बटन है 12 आवर्स 24 वाला, एक बार प्रेस करोगे तो ये अगर 12 आवर्स है तो 24 आवर्स में हो जाएगा, जैसे कि 17:25 हो गया, फिर से प्रेस करोगे तो 12 आवर्स में आ जाएगा, ओके। इस हिसाब से हमें ये बटन प्रेस करके टाइम फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद दूसरा यहाँ बटन है सेल्सियस और फेरेनिट्स, मतलब यहाँ पर जो हमें थर्मो टेम्परेचर दिख रहा है रूम टेम्परेचर, उसको अगर चेंज करना है यहाँ पर सेल्सियस में एक बार वो बटन प्रेस करोगे तो फेरेनिट में आ जाएगा। ये वाला बटन एक बार प्रेस करोगे सेल्सियस में, एक बार प्रेस करोगे तो फेरेनिट्स में, ओके। तो अभी हमें सेल्सियस में रखे हैं। अब इस डॉक स्टेशन को अगर हमें ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है तो ये वाला मोड बटन अगर प्रेस करोगे तो यहाँ पर ब्लूटूथ ब्लिंक हो रहा है, मतलब अब इस डॉक स्टेशन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करना है। तो अब हमारे मोबाइल में सेटिंग में जाना है, कनेक्टेड डिवाइस में ब्लूटूथ ऑन करना है। ब्लूटूथ में ऑन करके पेयर न्यू डिवाइस करोगे तो यहाँ पर K9 लिख के आएगा, ओके, और K9 पे आपको क्लिक करना है। तो पेयर नाउ में पेयर करोगे, ओके, सॉन्ग आएगा, मतलब हमारा डिवाइस पेयर हो चुका है। हमारा पूरा डिवाइस इस फ़ोन में, मतलब इस हमारा डॉक स्टेशन के साथ हमारा फ़ोन है वो कनेक्ट हो चुका है। इस डिवाइस को अगर आपको एप्पल के साथ कनेक्ट करना है तो भी कर सकते हो, एप्पल फ़ोन के साथ वो ब्लूटूथ के ज़रिए। सबसे पहले क्या करना है, ये वाले बटन दबा के आपको ब्लूटूथ वाला आएगा उसमें ब्लिंक करना है, और हमारा एप्पल फ़ोन है उसमें सेटिंग में जाके ब्लूटूथ में जाते हैं। आप ब्लूटूथ ऑन करोगे तो ये जो नया डिवाइस है यहाँ पर K9 करके आएगा, आप देख रहे हो K9 डिवाइस आ गया। K9 के ऊपर क्लिक करोगे तो एक साउंड ब्लिंक होगा, मतलब हमारा फ़ोन है वो इस डिवाइस के साथ कनेक्ट हो चुका है। अभी हम सॉन्ग बजा के आपको सुनाते हैं। जैसे ही सॉन्ग बजाते देख सकते हो आप, जैसे इसमें सॉन्ग आपको यहाँ से भी आप वॉल्यूम वगैरह कर सकते हो, ओके, और हमारे मोबाइल का सॉन्ग है उसको आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। देखो, ओके, आप ये बटन दबा के सॉन्ग चेंज कर सकते हो, ओके। उसके बाद अगर हमारा फ़ोन इसके साथ कनेक्ट है, अगर कोई बाहर से कॉल आए, इस डिवाइस के साथ कनेक्टेड है और कोई कॉल वगैरह आता है, अगर कोई कॉल आता है, जैसे कि यहाँ पर हमारे डिवाइस में कॉल आया है, तो ये डिवाइस में भी
आ रहा है, तो यहाँ से हम कॉल उठा सकते हैं ये वाला बटन प्रेस करके। हेलो 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 हार्दिक, या हाउ आर यू, हेलो हु आर यू फ्रॉम, हेलो हेलो या हेलो, कौन बोल रहे हैं? फ्रॉम पीयर कंसल्टेंसी। ओके वेरी गुड, आई वांट टू नो अबाउट द एंड। ओके वेरी गुड, नाउ आई एम कट द कॉल, तो यहाँ से हम कॉल कट भी कर सकते हैं। अभी हमारा डिवाइस अगर ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, अगर हमें डिसकनेक्ट करना है कोई भी डिवाइस, तो ये वाला मोर बटन है उसको आप 2 या 3 सेकेंड प्रेस करके रहोगे तो सिंबल चला जाएगा, मतलब हमारा डिवाइस डिसकनेक्ट हो चुका है। फिर से मोर बटन प्रेस करोगे तो अलग अलग ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ पर हम प्रेस करके आप देखोगे तो ये वाला सिंबल आता है, मतलब कि यूएसबी प्लग का सिंबल आ रहा है, मतलब अगर हमने यूएसबी स्लॉट में हमारा यूएसबी पेन ड्राइव अगर डाला है तो पेन ड्राइव में जो भी सॉन्ग है वो बजने लगेंगे। तो हम ये भी आपको दिखा देते हैं, हमारी पेन ड्राइव है। ओके ये पेन ड्राइव हम इसमें लगा के देखते हैं। ओके पेन ड्राइव लगाया, यूएसबी में है तो आप देख सकते हैं सॉन्ग स्टार्ट हो चुका है, आप सॉन्ग को साउंड यहाँ से आप कर सकते हो, सॉन्ग वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। ओके अभी इस यूएसबी को डिसकनेक्ट करना है, तो इसको 2 या 3 सेकंड बंद करोगे तो यूएसबी भी हो जाएगा। ओके अब इस डिवाइस में हमें मेमोरी कार्ड, मतलब जो हमारा मेमोरी कार्ड रहता है, ओके उस मेमोरी कार्ड में अगर इसमें सॉन्ग है तो उसके थ्रू सॉन्ग बजाना है। तो यहाँ पीछे की साइड, सबसे पहले यहाँ पीछे की साइड मेमोरी कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है, इस स्लॉट में मेमोरी कार्ड डाल देना है। तो ओके मेमोरी कार्ड के स्लॉट में मेमोरी कार्ड डाल दिया। मेमोरी कार्ड डालने के बाद ये वाला बटन है उसको एक बार दो बार तीन बार प्रेस करोगे तो ये मेमोरी कार्ड का स्लॉट आएगा और मेमोरी कार्ड में भी सॉन्ग है वो स्टार्ट हो जाएगी। सॉन्ग चेंज करना है तो हम चेंज भी कर सकते हैं। से आप सॉन्ग भी चेंज कर सकते हो वो कर वॉल्यूम वगैरह, ये इसमें तो सॉन्ग बज रहा है और मेमोरी कार्ड से बज रहे हैं। ओके अगर मेमोरी कार्ड को डिसकनेक्ट करना है, मेमोरी कार्ड को डिसकनेक्ट करना है तो ये वाला बटन 2-3 सेकंड बंद करोगे तो मेमोरी कार्ड डिसकनेक्ट भी हो जाएगा और मेमोरी कार्ड को हम निकाल ले सकते हैं। अब इस डॉक स्टेशन में हमें ऑक्स केबल 3.5 mm जैक भी दिया हुआ है, केबल का जैक। ओके तो उसके थ्रू अभी हम मोबाइल वगैरह, अपना टैबलेट, कंप्यूटर भी कनेक्ट कर सकते हो, मतलब कंप्यूटर का भी सॉन्ग वगैरह है जो उसमें इसमें चला सकते हो। तो अभी हम आपको मोबाइल ऑक्स केबल को मोबाइल के साथ कनेक्ट करके हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे तो पीछे की साइड, ओके ऑक्स केबल का 3.5 mm जैक दिया हुआ है, उसमें आप उसमें आप ये लगा के अपना जो ये है इसके साथ आप कनेक्ट कर दिए ना। ओके मोबाइल हमने जॉइंट कर दिया, उसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर ये वाला बटन प्रेस करके जो ये वाला ऑक्स केबल बता रहा है सिंबल, तो मतलब ये हमारा फ़ोन इसके साथ कनेक्ट हो गया। अभी फ़ोन में जो भी हम प्ले करेंगे उसमें प्ले होगा। स्टॉप। ओके मतलब हमने अक्स केबल से कनेक्ट किया है तो मोबाइल में जो भी हम प्ले करेंगे
फीट ऊपर। सैनिटाइजर ड्रॉप्स नहीं, सैनिटाइजर स्प्रे डिस्पेंस करने वाला डिस्पेंसर बनाओ, वो भी घर बैठे कम पैसों में, और बेचकर करो अपना बिजनेस स्टार्ट। सबसे बड़ी बात, आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं। बजा सकते हो यूट्यूब या फोन का भी कोई वीडियो सॉन्ग वगैरह है या कुछ भी है, हम इसका भी म्यूजिक बजा सकते हैं। अब इस डॉक स्टेशन में एफएम का भी एक दिया हुआ है, अगर हमें एफएम बजाना है तो मोड बटन को प्रेस करके जैसे ही एफएम पे आएगा तो एफएम सेट हुआ है, मतलब एफएम हम बजा सकते हैं। और एफएम में जो भी इसके चैनल है उसको ट्यूनअप करने के लिए ए वाला बटन है, जो ए वाला बटन, उसको प्रेस करके 2 या 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है, उसके बाद आप देखोगे तो ये ऑटो ट्यूनअप होगा, मतलब 87.5 MHz से लेके 108 MHz तक जितने भी स्टेशन होते हैं, अप टू 30 स्टेशन वो ट्यूनअप करेगा और स्टोर करेगा। उसके बाद 30 स्टेशन हो जाने के बाद वो फर्स्ट स्टेशन से म्यूजिक मतलब एफएम स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ए वाले बटन को हम प्रेस करके स्टेशन सेव हो जाने के बाद स्टेशन अलग अलग स्टेशन हम बजा सकते हैं। जैसे कि अभी जो भी स्टेशन अगला स्टेशन सुनना है तो ऐसे आप प्रेस करोगे तो स्टेशन 2 ऐसे आप स्टेशन भी चेंज कर सकते हैं। एफएम को बंद करना है तो ये प्रेस होल्ड करोगे तो एफएम बंद भी हो जाएगा। ओके, अब ये स्टेशन डॉक स्टेशन चालू है, एफएम वगैरह चालू रहता है, और हमें उसको स्लीप फंक्शन करना है, मतलब 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद उसको ऑटोमेटिकली शट डाउन करना है, बंद करना है, तो उसका भी फंक्शन ये है स्लीप बटन के ज़रिए। जैसे ही स्लीप बटन आप प्रेस करोगे तो 15 मिनट के बाद ये स्लीप हो जाएगा, दूसरी बात तो 30 मिनट, 45, 60, 75 और 90, मतलब आप 0, मतलब ये स्लीप नहीं रहेगा। अगर 15 मिनट सेट किया तो 15 मिनट के बाद है एफएम वगैरह बंद हो जाएगा। ओके, वैसे आपने स्लीप सेट किया है 30 मिनट तो 30 मिनट के बाद जो एफएम है वो बंद हो जाएगा, या एफएम है या वॉक्स केबल है जो भी आप सुन रहे हैं वो बंद हो जाएगा। अब इस डिवाइस के ज़रिए हम अपना मोबाइल टैबलेट वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं, जो यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है यूएसबी, उसमें हम यूएसबी केबल इंटर करके अपना जो मोबाइल है उसको कनेक्ट करते हैं, तो आप देख सकते हो मोबाइल चार्ज हो रहा है। ओके, तो वैसे ही आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो इस डिवाइस के ज़रिए। अब इस डिवाइस के साथ हमने आपको एक रिमोट कंट्रोल भी देते हैं, तो मतलब इस डिवाइस को हम रिमोट कंट्रोल के ज़रिए भी रन आप कर सकते हैं। इस रिमोट कंट्रोल में यहाँ पर बैटरी हो ऑलरेडी अंदर इंक्लूडिंग आएगी, तो ये वाला पार्ट से उसको पहले निकाल लेना है। ओके, ये वाला पार्ट निकालोगे तो रिमोट कंट्रोल स्टार्ट हो जाएगा। अब इस रिमोट के ज़रिए जो ये मोड बटन है, ओके, अगर रिमोट से हम मोड बटन, जैसे कि हम आपको बताते हैं, रिमोट में हम मोड बटन जब प्रेस करते हो तो भी एफएम चल रहा है, तो मोड बटन प्रेस करने से क्या होगा कि ऑक्स केबल मोड हो गया, फिर से मोड बटन प्रेस करोगे तो ब्लूटूथ मोड हो गया, फिर से मोड बटन प्रेस करोगे तो यूएसबी के पोर्ट वाला मोड हो गया, फिर से मोड बटन प्रेस करोगे तो मेमोरी कार्ड वाला, इस हिसाब से आप मोड चेंज कर सकते हो। अभी हमने एफएम वाला चेंज रखा हुआ है तो एफएम बज रहा है। ओके, ये जो वाला बटन है, अगर एफएम को बंद करना है तो ये वाला बटन है उसको अगर प्रेस करोगे तो एफएम बंद हो जाएगा। ओके, फिर से चालू करना है, एक बार प्रेस करोगे तो एफएम चालू हो जाएगा।
ओके, और ये प्लस वॉल्यूम बटन है, मतलब वॉल्यूम अप बता सकते हो, वॉल्यूम डाउन भी कर सकते हो। ये वाला बटन है फॉरवर्ड बैकवर्ड, मतलब अगर एफएम है तो उसमें स्टेशन चेंज कर सकते हो, ऑक्स केबल या यूएसबी केबल या ब्लूटूथ कनेक्शन है तो उससे हम ट्रैक वगैरह चेंज कर सकते हो। ये वाला बटन वर्क है, स्टेशन भी चेंज कर सकते हो। हमने हमने वॉल्यूम डाउन किया। अभी ये स्लीप वाला बटन है, उससे हम स्लीप फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। एक बार प्रेस करोगे 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट, 75 मिनट या 90 मिनट या जीरो, जो भी स्लीप फंक्शन है वो भी यूज़ कर सकते हो। ये जो लाइट, मतलब ये दिख रहा है वो लाइट बटन है, मतलब आप लाइट भी सेट कर सकते हो, मतलब ये जो डिस्प्ले की लाइट है उसको अप डाउन करना है तो वो भी कर सकते हो। ये लाइट वाला बटन आप करोगे तो ये डिस्प्ले की लाइट दिखेगी, देखो डिस्प्ले ऑफ हो गई, थोड़ी सी ब्राइटनेस, थोड़ी इससे ज़्यादा ब्राइटनेस, इससे ज़्यादा ब्राइटनेस, इससे ज़्यादा और ऑफ, ऐसे आप डिमर भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद ये अलार्म वन अलार्म टू बटन है, मतलब वन नंबर का अलार्म है उसको ऑन कर सकते हो और उसको सेट भी कर सकते हो। यहाँ पर सेट, ये इसका अलार्म बटन प्रेस करके आप अलार्म यहाँ से सेट कर सकते हो, फिर से अलार्म वन बटन सेट करके यहाँ पर रिंगटोन वगैरह सेट कर सकते हो, फिर से अलार्म संडे मंडे ट्यूसडे वो भी सेट कर सकते हो, फिर से अलार्म बटन सेट करके आप वो भी सेट कर सकते हो। ओके, उसके बाद अलार्म टू बटन है तो वो भी आप अलार्म टू भी सेट कर सकते हो। आपने देखा यहाँ अलार्म टू, ओके उसको भी आप सेट कर सकते हो। ओके, अलार्म टू का अलग अलग बटन प्रेस करके। ओके, दोनों अलार्म सेट हो जाने के, इस रिमोट के जरिए आप अलार्म को बंद भी कर सकते हो। आप कंटिन्यू प्रेस रखोगे तो अलार्म बंद भी हो जाता है, जैसे ये टू है उसको 2-3 सेकेंड बंद करके प्रेस करके रखोगे तो अलार्म बंद हो जाएगा। स्नूज बटन है, उसके ज़रिए क्या कर सकते हो कि अलार्म आपका बजा, ओके अलार्म आपका बजा तो अलार्म को स्नूज करने के लिए एक बार प्रेस करोगे तो अलार्म स्नूज हो जाएगा, 9 मिनट के बाद फिर से अलार्म सेट होगा। ओके, इस हिसाब से आप इस रिमोट का यूज़ काफ़ी, मतलब अगर आप डॉग स्टेशन को टच किए बिना रिमोट के जरिए भी आप कर सकते हो, काफ़ी सारे अलग अलग फंक्शन भी है, अलार्म है, स्नूज है, ब्राइटनेस है, वो सब, वॉल्यूम अप डाउन, ट्रैक अप डाउन कर सकते हो आगे पीछे। ओके, जैसे हमने प्रेस किया तो ये चला भी जाता है। ओके, अब इस रिमोट में बैटरी यहाँ पर होती है, पीछे की साइड बैटरी होती है, वो इंक्लूडिंग होगी, और इन केस कभी भी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो उस बैटरी को भी आप चेंज कर सकते हो। इसको आप ऐसे ऐसे करके ऐसे निकालना है, इसको ऐसे करना है और बाहर की तरफ खींचना है, ऐसे करके आप बाहर खींचोगे तो इसमें इतना बड़ा बैटरी रहता है। इस बैटरी को आप CR2025 का बैटरी होता है, उस बैटरी को आप लगा के रिमोट का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो ऑन ऑफ करके मोड वगैरह सेंड करके